नमस्कार, मैं हूं श्रीपाल तेवतिया और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। हम इनसे बात करेंगे यूपी के वर्तमान में जो हालातों पर हम चर्चा करेंगे और भी हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, ईटीवी भारत में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, जिस तरह से अभी यूपी में राजनीति हो रही है, तमाम जो तरह की बात हो रही, कभी लाल टोपी, कभी पीली टोपी और कभी जिन्ना, कभी गन्ना, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या सब हो रहा है? देश का दुर्भाग्य है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की वाहियात बयानबाजी कर रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। सर, अब क्योंकि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, काफ़ी लंबा समय हो चुका है, गैर कांग्रेसी सरकारें प्रदेश में बन रही हैं, कांग्रेस उस तरह से खड़ी नहीं हो पा रही है, कहाँ आप मानते हैं कहाँ चूक हो रही है? जनतंत्र में सारी शक्तियाँ जनता में निहित होती हैं। जनता जिसे चाहे सिंहासन देती है, जिसे चाहे तख्त से उतार देती है। प्रियंका गांधी ने इस देश के, उनके परिवार ने इस देश के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। अब वो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, आवाम के सामने अपनी बात को लेके आई हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को फैसला करना है कि क्या उन पार्टियों को समर्थन देगी, वोट देगी, जिन्होंने 32 साल में इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया। इस प्रदेश को पिछले 32 सालों में बर्बाद करने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो गैर कांग्रेसी दलों की है, क्योंकि पिछले 32 सालों से कांग्रेस हुकूमत में नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को सोचना है कि वो उत्तर प्रदेश जो पूरे देश का उत्तम प्रदेश माना जाता था, जहां मोहब्बत के तराने गूंजा करते थे, वहां आज नफ़रत के बीज बो दिए गए हैं, चारों तरफ नफरत की हवा बह रही है। तो अगर उत्तर प्रदेश को बचाना है तो कांग्रेस को लाना होगा। सर, अभी देखा गया था कि पीछे जब शिवपाल यादव जी ने रथ यात्रा की शुरुआत की थी तो तब आप साथ थे, तो क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? मैं हर अच्छे इंसान का साथ देता हूं और हर बुरी बात का विरोध करता हूं। सर, जिस तरह से जो अभी यूपी में गठबंधन बन रहा है RLD सपा का, उधर राजभर जी से भी उनकी बात चले, आम आदमी पार्टी से भी सपा का अभी अलायंस होने की चर्चाएं हैं कि अभी सीटों को लेकर कुछ बातें चले, किस तरह से आप देख रहे हैं ये कांग्रेस के लिए किस तरह से संदेश है और किस तरह से आप देख रहे हैं कि सरकार अब की बार किसकी? ये मतलब के गठबंधन है, इनकी नीयत किसी की साफ नहीं है। ये सब जीत जात के कौन कहाँ जाएगा इसका कुछ नहीं पता है। एक तो होता है निकाह, एक होता मुता, ये सब मुता है। इस बार एक सवाल और, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी प्रदेश में जिस तरह की, क्योंकि 4.5 साल का जो योगी जी का कार्यकाल है, उसे आप किस तरह से देखते हैं, जो कार्यकाल है अब तक का? सवाल मेरे देखने का नहीं है, सवाल उत्तर प्रदेश की जनता के देखने का है। दो योगी जी ने 5 साल में जो लिखाई पढ़ाई की है उसकी परीक्षा है और 2 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा। अब CM का चेहरा कौन होगा कांग्रेस का? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए था, ऐसा लोगों ने डिमांड भी की थी। कांग्रेस नेतृत्व इस पर फैसला कर रहा है, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो। सर, आप जगह जगह जाते हैं और देखते हैं कि जो अभी जिस तरह का माहौल है, क्या लगता है कि कांग्रेस को वो स्थिति, मजबूत स्थिति में कांग्रेस फिर आ पाएगी? मुझे लगता है कि कांग्रेस 400 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी की जो सेवाएँ हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, उनको इज्जत बख्शेगी। सर, रावत जी का जो निधन है, इसे आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से पूरा जो सभी लोग उसमें हमारे देश के जो शहीद हुए हैं? देश की जनता जानना चाहती है कि हमारे फौज के सबसे बड़े अफसर इस तरह से दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है, तो देश की जनता जानना चाहती है कि ये हादसा है या कोई इंटरनेशनल साजिश है। इसमें आप चाहते हैं जांच हो, भारत सरकार को उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। सर, एक आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी जी जिस तरह से नए नए जहां भी जाती हैं वहां कुछ ना कुछ ऐलान वो कर रही हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स को लेकर हो, चाहे वो अन्य किसानों को लेकर हो, चाहे बिजली के बिल को लेकर हो, किस तरह से आप देख रहे हैं कि इन सबसे क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है या जनता कुछ? प्रियंका गांधी इस
देश की उम्मीद हैं और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी 2024 में भारत का भविष्य है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जो हमसे खास बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी देश की उम्मीद हैं, साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर भी यहाँ सियासी वार किया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा की। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, मेरठ।